से होगा, दूसरा कोरोना पर भारी पड़ा आस्था। शीतला माता मंदिर पर श्रद्धालुओं की भीड़, ऐसा लग रहा है कि कोरोना वायरस पर भक्तों की आस्था भारी पड़ रही है और इस आस्था के चलते श्रद्धालु अपनी और अपने बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने में जुटे हुए हैं। आपके स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो रोहतक के शीतला माता मंदिर की है, जहाँ पर कोरोना संक्रमण का कोई भी भय दिखाई नहीं दे रहा, ना लोगों के मुँह पर मास्क है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। पुजारी भी कह रहे हैं, हमने तो कहा था कि प्रशासन मंदिर बंद कर दे। कहाँ से आए? डोबगांव से। यहाँ मंदिर में किस लिए आया? आस्था के लिए, अपनी जोत लगाने के लिए माता जी। तो क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है और ऐसे में यहाँ पे हमें भीड़ भी बहुत दिखाई दे रही है, तो डर नहीं लग रहा है? डर तो लग रहा है, तो रास्ता थोड़ा मैटर रखती है, क्योंकि बहुत से लोग मास्क भी नहीं लगाते, तो उसका तो क्या कर सकते हैं, दूसरों का तो हम खुद सेफ्टी बहुत करते हैं। कोरोना बढ़ रहा है, हालांकि आपने मास्क लगाए पर इतनी भीड़ में आने से कहीं ना कहीं डर लग रहा है। बिल्कुल लगता है, डर तो लगता ही है, बट फिर भी आस्था है तो आना भी था। नहीं, फिर भी लोग ज़्यादातर मास्क नहीं लगाए हुए, ये तो लगभग लगा रहे हैं, लगभग लगा रहे हैं, बहुत कम हैं जो नहीं लगा रहे। कोई एक आध पर्सन दिख रहा है जो नहीं लगा रहा, नहीं तो सब लगा रहे हैं। ठीक चल रहा है, डिस्टेंस भी है, सब थोड़ा कोऑपरेट करता है कि आस्था कहीं ना कहीं कोरोना को भारी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तरीके से कोरोना की गाइडलाइन जारी हुई है और यहाँ पे मेला लग रहा है, तो क्या लगता है आपको, क्योंकि लोग तो कहीं भी पालना करते हुए नहीं दिख रहे? ऐसा है जी, हमने तो पहले ही सरकार को रिटर्न में एप्लीकेशन दे दी थी 6 तारीख से 30 जून तक। हमारे मंदिर में 4 मेले लगते हैं जिसमें हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो हमने उनको पहले ही कह दिया था कि हम सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं कर सकते, हमारे श्रद्धालु गांव देहात से आते हैं वो इन चीज़ों को मानते नहीं हैं, ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं। तो हमने तो पहले जनाब से एप्लीकेशन देकर दरख्वास्त दे दी थी कि हमारा मेला ना लगे, फिर भी सरकार DC साहब ने ये कहा कि भाई आप अपना मेला लगाओ, हमारे पे कोई अभी आदेश नहीं आया है। तो हमारा पहला मेला लगा था 31 तारीख को, वो हल्का हल्का बुधवार चला था, फिर श्री सप्तम लगी थी 3 तारीख को, वो भी चलता रहा, उसके बाद एतवार को भी दुखा, फिर सोमवार बाद थोड़ा दुखा, तो उसके बाद 5 तारीख को एक गाइडलाइन आ गई कि भाई मंदिर में श्रद्धालु इकट्ठे होंगे 500 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। फिर हमने दोबारा लेटर लिख के दे दिया कि हम इस गाइडलाइन का भी नहीं पालन कर सकते, तो उन्होंने फिर वो रख लिया एप्लीकेशन, बोले जी आप देख लो जैसा आपको अच्छा लगे। फिर हमारे पार्षद साहब हैं यहाँ धर्मेंद्र, जब हमने उनको अपील करी अखबार में भी मैंने डाला कि जो भी श्रद्धालु मत्था टेकने आएगा उनको मास्क लगा के आना जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कुछ श्रद्धालु हमारे अभी इतने समझदार हो गए हैं, उनको पता लग गया है ये बीमारी बहुत खतरनाक है, आज भी मास्क लगा के आए, पहले बुधवार भी मास्क लगा के आए थे। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इसलिए नहीं हो पा रहा क्यों, हमारा मंदिर छोटा है, आंगन छोटा है और शहर के अंदर है, ज़्यादा हमारे पास जगह नहीं है, तो इसलिए भीड़ बहुत हो जाती है। और हमारे पास से जो पप्पन गुलिया हैं उन्होंने और मेयर साहब ने कहा था कि मेले लगवाएं, हम आपका सहयोग करेंगे और पुलिस प्रशासन भी आपका सहयोग करेगी, और पुलिस हरियाणा पुलिस ने हमारी बहुत मदद करी पहले मेले पे भी आज भी, और हमारे मंदिर के जो सेवादार हैं और पप्पन गुलिया जो पार्षद हैं उनके भी कुछ वॉलंटियर यहाँ आए, उन्होंने भी मंदिर की सेवा करी। रोहतक से हर्षवर्धन की रिपोर्ट।